نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل الأقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما ربي زدنا علما ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نعفيا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم

तुम सब अल्लाह के बंदे हो और तुम्हारी तमाम औरतें अल्लाह की बंदियां हैं अल्बत्ता यू कह सकता है मेरा लड़का मेरी लड़की मेरा जवान खादिम मेरी खादमा। सही मुस्लिम की हदीस है 2249 ये हदीस जब मैंने पढ़ी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर हर कॉल हर हर, हर हदीस आंखें खोल देती है हम कितनी प्राउडली कह रहे होते हैं मेरा घर मेरा बच्चा मेरी चीज लेकिन हम रियलाइज ही नहीं करते कि अल्लाह ने तो हमें एक बहुत ही थोड़ी सी मोहलत के लिए इस दुनिया में भेजा है तमाम चीजें जो अल्लाह ने मुझे दी हुई हैं, वो तमाम अल्लाह की दी हुई चीजें हैं तो किसी भी चीज़ को ये कहना कि ये मेरी चीज है हकीकतन गलत है और इस डिल्यूजन में जब हम रहते हैं कि ये मेरी चीज है मैं इसकी मालिक हूँ या मैं हूँ ये हमें खुद सर बनाती है अनापरस बनाती है और जब एकदम से बंदा ये रियलाइज करता है कि मेरा तो कुछ भी नहीं है मेरा तो अपने आप पे इख्तियार नहीं है मेरी तो अगली सांस मेरी नहीं है तो कैसे हो सकता है कि मैं कहूँ तो ये मेरे बच्चे हैं ये मेरा घर है ये मेरा शोहर है ये सब अल्लाह के बंदे हैं अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है कि अल्लाह ने अपने लोगों में से कुछ लोग मुझे दिए हुए हैं अपनी चीजों में से कुछ चीजें मुझे अता की हुई हैं। आज से करेक्शन करिए कोई भी चीज़ है, वो किसकी चीज है वो अल्लाह की चीज है और अल्लाह का हम पे खास करम है उसका रहम है उसकी मेहरबानी है कि उसने वो चीज हमें दुनिया में इस्तेमाल करने के लिए या साथ रहने के लिए अता की हुई है पिछली नशिस्त में हमने देखा कैसे आप वसल्लम ने मक्का को फतेह किया कैसे वो मक्का जहां से आप बड़े अफसोदा निकले कैसे अल्लाह ने इतनी इज्जत बख्शी के आप तमाम महाजर के दरमियान बड़े ही खूबसूरत तरीके से दाखिल हुए लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु वसल्लम के अंदाज में चाल में और किसी भी जेस्चर में किसी भी किस्म का गरूर नहीं था बल्कि इंतहाई आजजी इंतहाई इंकसारी थी आज हम पढ़ेंगे गजबाई हुनैन जो शवाल आठ हिजरी में पेश आई मक्का फतह हो चुका तो कैसे ऐलान के कबाइल मशवरे के लिए इकट्ठे हुए इनमें से सकीफ और हुजान पेश पेश थे उन्होंने कहा मोहम्मद अपनी कौम की जंग से फारिग हो चुके हैं अब उन्हें हमारे साथ जंग से रोकने वाला कोई नहीं लिहाजा क्यों ना हम ही पहल करें चुनाचे उन्होंने जंग का फैसला कर लिया और अपनी सिपा सलारी के लिए मालिक बिन ऑफ नसरी को मुंतखब किया अब उन्हें पता चल गया था कि हजरत मोहम्मद ने मक्का फताह कर लिया है और अब उन्होंने डेफिनेटली हमसे जंग करनी है तो उन्होंने क्या क्या दुश्मन ने क्या कहा कि हम पहले ही जंग के लिए तैयार होते हैं और दुश्मन की तरफ से सिपा सालार कौन थे मालिक बिन ओफ नसरी और एक बहुत बड़ा लश्कर जमा करके उतास पर उतर आए किस जगह पे उन्होंने पड़ाव डाला जगह पे उन्होंने अपना पड़ाव डाला लश्कर के साथ वहां पे आए और सरबरा में, में पुख्ती के लिए मशहूर थे इन्होंने बच्चों और जानवरों की आवाज सुनी तो मालिक से इनकी वजह दरियाफ्त की इसने कहा मैंने सोचा के हर आदमी के पीछे इसके अहल और माल को लगा दू ताकि वो इसकी हिफाजत के जज्बे के साथ जंग करे उसने क्या कहा कि हर आदमी को माल और उसकी औलाद और औरतों के साथ लगा दूंगा ताकि वो पार्टिसिपेट करें और जंग में हाजिर हो दैत ने कहा बल्ला चरवाहे हो भला शिकस्त खाने वाले को भी कभी कोई चीज रोक सकती है देखो अगर जंग में तुम गालिब रहे तो भी कारमद तो महज आदमी ही अपनी तलवारों के साथ आएंगे और नज़ों के साथ होगा और अगर शिकस्त खा गए तो तुम्हें अपने अहल और माल के सिलसिले में रुसवा होना पड़ेगा कितनी जबरदस्त राय दी थी कि असल जंग जो है वो तो नौजवानों ने ही करनी है औरतें और बच्चे जो जो हैं वो कैसे लड़ेंगे अगर शिकस्त खा गए तो इनको इनको है कैदी बना लिया जाएगा इनको ले लिया जाएगा फिर दुरीद ने मशवरा दिया कि उन्हें इनके इलाके में वापस भेज दो लेकिन मालिक ने इसकी राय कबूल ना की बाल बच्चों और मवेशियों को वादिय उतास में जमा किया और खुद फौजियों को लेकर वादिय हुनैन में मुंतकिल हो गया दो ट्रूप्स बना लिए दो लश्कर बन गए एक लश्कर जो था वो वादिय उतास में ही रहा जहां पे औरतें थी बच्चे थे और दूसरा नौजवानों का लश्कर था वो वादिय हुनैन में चला गया अब इस तरह देखें कि औरतों और बच्चों की रखवाली के लिए भी कुछ लोग डिवाइड किए गए वहां पे रहे तो उन्होंने ये फैसला जो था ये उसका हरगिज सही नहीं था लोग भी डिवाइड हो गए दो जगह पे हो गए और हम सब जानते हैं कि जब हमारी अटेंशन एक जगह पे होती है तो हम ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन जैसे ही अटेंशन डाइवर्ट होती है दो या तीन जगह पे जाती है तो, तो काम खराब होना शुरू हो जाता है इज्तम का इल्म हुआ। तो आप मक्के से हफ्ते छह शवाल को रवाना हुए आपके साथ बारह हजार का लश्कर था कितना लश्कर था बारह हजार का और गजवाए बदर याद करें कितना लश्कर था तीन सौ तेरह कितनी ज्यादा अल्लाह सुबहाना ने मुसलमानों को कुत दी थी जब हमने अहद देखी तो उसमें देखा कि मुसलमान पहले जीत रहे थे लेकिन आप ले ले का एक ना हुक्म मानने की वजह से उनको शिकस्त खाना पड़ी और बहुत से मुसलमान शहीद हुए इधर मसला बिल्कुल ऑपोजिट था अब मुसलमान ज्यादा तादाद में थे बारह हजार का लश्कर था तो मुसलमान ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे इस मौके पर आपने सुफान बिन उमैया से 100 सौ जरहे साजो सामान समेत उधार ली और मक्के का इंतजाम उताब बिन उसद रजीला को सौंपा ये क्या हुआ पहले तो मदीना का इंतजाम सौंपते थे अब मक्के का इंतजाम सौंपा लीडर कहीं भी हो लीडर किसी भी जगह का हो जिस जगह को भी वो लीड कर रहा है वो कभी भी उसका इंतजाम ऐसे ही विदाउट किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़कर नहीं आएगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन हमारे सामने मिसाल है बेहतरीन रहबर है रास्ते में लोगों ने बेर का एक बड़ा सा दरख्त देखा जिस पर अरब अपने हथियार लटकाते थे वहां जानवर जबा करते थे और दरगाह लगाते थे इसे अनवात कहा जाता है इसको ऐसे समझिए कि एक बड़ा सा दरख्त है उसमें जो अरब थे वो क्या करते थे कि अपने हथियार लटका देते थे टहनियों से और वहां पे जो मवेशी लाते थे खाने पीने के लिए उनको जबा करते थे और एक किस्म का दरबार लग जाता था बास लोगों ने रसुल्ला सल से कहा हमारे लिए भी ज़ात अनवात बना दीजिए जैसे इनके लिए ज़ात अनवात है आप सल्लाम ने फरमाया अकबर तुमने तो वैसी ही बात कही जैसी मूसा सलाम की कौम ने इनसे कही थी मूसा सलाम की कौम ने कहा क्या कहा था जिन्होंने कुरान पाक तफसीर से पढ़ा है उन्होंने देखा होगा कि जब मूसा अलै सलाम ने बनी इसराइल को फिरौन से निजात दिला दी थी और वो जा रहे थे रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ लोग पूजा कर रहे हैं बछड़े की तो उनके दिल में भी क्या आया कि हमारे लिए भी एक बछड़ा बना दीजिए अब यहां पे क्या है कि अरब लोग हैं जब वो जा रहे हैं जंग के लिए उन्होंने देखा ये दरगाह बनी हुई है यहाँ पे लटके हुए और अट्रैक्ट हुए उन्होंने आप वाले वाले वसलम से कहा हमारे लिए भी एक ऐसी ही दरगाह बना दे तो आप सल्लाम ने क्या माना नहीं उन्होंने कहा कि अल्लाह अकबर तुम तो वैसे ही बात कह रहे हो जैसे मूसा सलाम ने कौ की कौम ने इनसे कही थी हमारे लिए भी एक माबूद बना दीजिए जैसे इनके लिए मबूत है सूर्य आराफ में कहा गया था और हजरत मूसा ने जवाब में कहा था तुम लोग जहालत की बात कर रहे हो क्या था आप वाले वाले ने क्यों मना किया बना देते इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं थी उनको भी एक बना देते जगह जहां पे वो करते आप सल्लाह ने इसलिए नहीं बना के दिया क्योंकि कुफार से मिलती जुलती कोई भी चीज जो हमें उनसे मिलाए जो हमें उन जैसा दिखाए उसकी इस्लाम में मुमानियत है और ये बात इतनी स्ट्राइकिंग है आज हम लोग कितने इंप्रेस होते हैं उनको देख के जो काफिर हैं जो गैर मुस्लिम हैं हम चाहते हैं हम उनका लाइफ स्टाइल अपनाएं हम उनके तौर तरीके अपनाएं हम उन जैसे दिखे हम उन जैसी हरकतें करें और आप अलैहि वसल्लम ने तो हरगिज इस चीज से मना किया हुआ है हम कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जो हमें काफिरों से मिलाए तो आज क्या हम उनकी तरह बेपर्दा होके लड़कों के साथ यूनिवर्सिटीज में पढ़ सकते हैं क्या मिक्स गैदरिंग और मेहंदियों का हिस्सा बन सकते हैं क्या हम अपनी बेटियों को इजाजत दे सकते हैं कि बगैर सर कवर किए हुए को एड में जाके पढ़ें और ऐसे बहुत से मामला क्या हम घरों में भी मिक्स गैदरिंग अलाउ कर सकते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्यामत के दिन हर बंदा उसके साथ ही उठाया जाएगा जिससे वो मोहब्बत करता है आज हम कहते हैं ना क्या होता है क्या फर्क पड़ता है कुछ फर्क नहीं पड़ता आजकल का तो ट्रेंड ही यही है ठीक है या तो ट्रेंड फॉलो कर लेंगे या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स के लिहाज से हम चल रहेंगे आप अलैहि वसल्लम के इस फेल से हमें क्लियरली पता चलता है कि हम कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जो कुफार की तरह हो कुफार की से हमें मिलाए फिर आप वसल्लम ने फरमाया ये तौर तरीके हैं तुम लोग भी यकीनन पहलों के तौर तरीके अपनाओगे बास लोगों ने लश्कर की कसरत के पेश नजर कहा आज हम मगलूब ना होंगे ये बात रसूल अलैहि वसल्लम पर गिरा गुजरी शाम हुई तो एक सवार ने आके खबर दी कि बनू हुजान औरतों बच्चों ऊंटों और बकरियों समेत निकले हैं आप सल वसलम ने तबसुम फरमाया और कहा कि ये कल इनशा मुसलमानों का माल गनीमत होगा हमेशा जो लीडर होता है वो अपने साथ वालों का हौसला बढ़ाता है दस सवाल आठ हिजरी की रात रसूल हुनैन पहुंचे वादी में दाखिल होने से पहले शहर के वक्त लश्कर को मुरतब फरमाया जैसे हम पैसे भी देख सके हैं आप सल अला वसलम बहुत ऑर्गेनाइज थे यहाँ भी, भी आपने जो था पूरा लश्कर उसको आपने मुरतब फरमाया महाजरीन का परचम हजरत अली बिन अबू तालिब रजी तलाो को दिया औस का परचम उसैद बिन बिनैर रजील तलाो को और खजरत का परचम हबाब बिन मुंजर रजील तलाो को और कुछ दूसरे परचम दूसरे कबाइल को दिए दो जरहे पहनी सर और चेहरे पर खूद लगाई इसके बाद हर अब दस्ते ने वादी में उतरना शुरू किया इसे छुपे हुए दुश्मन की मौजूदगी का इल्म ना था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर मुरतब किया तीन ट्रूप में डिवाइड किया और हर ट्रूप का अव्वल दस्ता यानी पहला दस्ता जो था वो वादी में उतरना शुरू हुआ लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि दुश्मन वहां पे छुपा हुआ है अभी वो उतर ही रहा था कि अचानक दुश्मन ने टिटी दिल की तरह तीरों की बारिश कर दी टिटी दिल वो छोटे छोटे कीड़े होते हैं तो बहुत जल्दी से फैलते हैं एकदम से दुश्मनों ने बहुत ज्यादा तीरों की बरसात शुरू कर दी फिर वो फर्दे वाहिद की तरह टूट पड़ा इस अचानक हमले से हर अवल दस्ते में इसतराब फैल गया और इसमें मौजूद मुसलमानों के पाँव उखड़ गए जो लोग पीछे थे वो भी इन्हीं के साथ हो लिए और यूं शिकस्त हो गई क्यों क्योंकि उन्हें लगा था कि हम तो फौरन जाएंगे और गलबा पा लेंगे और जब पीछे से दुश्मन ने काउंटर अटैक किया तो एकदम से घबराहट आ गई और वो संभाल नहीं सके अपनी घबराहट को और एकदम से बहुत ज्यादा इसतराब फैल गया यूं शिकस्त हो गई इस सूरत हाल से बाज मुशिकीन और बाज नौ मुस्लिम खुश हुए नौ मुस्लिम क्यों खुश हुए क्योंकि ईमान सिर्फ जाहिरी था दिल में सही तरह पेनिट्रेट नहीं हुआ था अबू सुफियान ने कहा अब इनकी बगदर समंदर से पहले ना रुकेगी और सफवान के एक भाई ने कहा आज जादू बातिल हो गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब डिफरेंट गजवात में जीतते थे तो जो कुफार थे वो कहते थे कि आप वसल्लम को जादू करते हैं जिससे जीत जाते हैं और जब उन्होंने मुसलमानों की भगदड़ देखी तो क्या कह रहे हैं कि आज जादू बातिल हो गया और इसके एक और भाई ने कहा मोहम्मद वसल्लम और उसके साथियों की शिकस्त की खुशखबरी सुन लो अब ये इसकी कभी नहीं जोड़ अब ये इसको कभी नहीं जोड़ सकते मगर इन पर सफान और नो मुस्लिम इक्रमा बिन अबू जहल बिगड़ गए और दोनों को डांट पिलाई जहां तक रसुल्ला का ताल्लुक है तो ना सिर्फ ये आप थोड़े से इंसार और महाजरीन की मैत में साबित कदम रहे बल्कि आप दुश्मन की तरफ बढ़ने के लिए खच्चर को ईड़ लगाते और फरमाते जा रहे थे अनुब अब्दुल अबलिब मैं नबी हूँ झूठा नहीं मैं अब्दुल मुतलिब का बेटा हूँ किसी भी चीज का लीडर अगर साबित कदम ना हो तो वही हाल होता है जो अबू की लीड करने में खंदक में खंदक हुआ था कि जब लीडर ही ने कह दिया कि हम तो नहीं कर सकते और दुम दबा के भाग गया तो क्या हुआ था सब साथी थे वो चले गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को इधर उधर जाते देखा देखा कि इस तरह पैदा हो गए लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित कदम रहे थोड़े से इंसार के साथ आप आगे चलते गए और साथ साथ क्या फरमाते जा रहे थे मैं नबी हूँ झूठा नहीं मैं अबल का बेटा हूँ रकाब थाम रखी थी ताकि दुश्मन की तरफ तेजी से ना जाए चुनाचे रसूल सलम खच्चर से उतर गए और अपने रब से दुआ की और मदद मांगी और हजरत अब्बास को जिनकी आवाज खासी बुलंद थी हुक्म दिया कि आप सहाबा को पुकारे हजरत अब्बास तला ने पुकारा अपनी आवाज से वादी भर दी ए दरख्त वालों बेहतर रिजवान वालों कहाँ हो अमल का नुक्ता जब बहुत ज्यादा

एकदम से क्या हुआ ये सुनकर वो इस तरह मुरे जैसे गाय अपने बच्चों की तरफ मुड़ती है वो कह रहे थे हाँ हाँ आए आए एकदम से उन्हें कुवत आ गई एकदम से उन्हें पता चल गया हमारे पलट उतरे पलट आए इस तरह हाँ जब सौ आदमी जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन का सामना किया और लड़ाई शुरू कर दी इसके बाद अंसार की पुकार शुरू हुई फिर बनुल हारिस बिन खिजरज में महदूद हो गई उधर मुसलमान दस्ते एक के पीछे एक आते चले जा रहे थे यहाँ तक कि आपके बड़ी जमात जमा हो गई और अल्लाह ने अपने रसूल और पर सकीनत नाजिल की और अनदेखा लश्कर उतारा चुनाचे मुसलमानों ने पलट कर हमला किया और धुआंधार जंग शुरू हो गई अगर इसी वक्त आप सल्ला खबर जाते और पलट जाते तो क्या मुसलमानों का हौसला कायम रहता नहीं ये जो एकदम से घबराहट आई थी एकदम से जो घबराहट में एक्शन हुआ था ये सब कंटिन्यू रहता और मुसलमान जंग हार जाते मुश्किल वक्त में एक बंदे की भी साबित कदमी एक बंदे का भी हौसला जंग जितवा देता है वसल्लम ने फरमाया अब चूल्हा गर्म हो गया फिर आपने एक मुट्ठी मट्टी लेकर कौम के चेहरे पर मारी और फरमाया चेहरे बिगड़ जाए इस मट्टी से इनकी आंखें भर गईं, इसके बाद इनकी तलवारों की धार कंद और कंद और इनका हौसला टूट गया यहाँ तक कि वो पराकंदा होकर भाग निकले और मुसलमानों ने मारते पकड़ते इनका पीछा किया चुनाचे औरतों बच्चों को पकड़ लिया और बहुत से फौजियों को गिरफ्तार कर लिया इस दिन खालिद बिन वलीद रजी तक को बहुत से जख्म आए और रसूल अल्लाह वसल्लम के साथ अल्लाह की इनायत देखकर बहुत से मुशीन मक्का मुसलमान हो गए कभी भी मुश्किल हालात में जब एकदम ऐसे लगे ना कि अब कुछ नहीं हो सकता उस वक्त भी हौसला ना हारे अल्लाह चाहे तो क्या नहीं हो सकता जिंदगी में बहुत से मकामात ऐसे आते हैं कि बंदे को लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता अब आगे कुछ नहीं है आगे कुआं पीछे खाई वाला हिसाब है लेकिन अल्लाह सुबहानो तला चाहे तो कैसे हजरत मूसा की कौम बनी इसराइल को दरिया के दो टुकड़े करके फिरौन से निजात दिला दी थी कैसे आप ले वाली साबित कदम रहे और एक मुठ्ठी मट्टी ने फता दे दी मुसलमानों को तो कैसे हो सकता है कि अगर हमारा ईमान सलामत हो अगर हम साबित कदम हो अगर हम हकीकी मुसलमान हो तो अल्लाह की मदद हमारे साथ ना आए मुश्किन भागे तो तीन गिरोहों में बैठ गए सबसे बड़ा गिरोह तारीफ की जाने भागा तीसरे गिरोह ने नखला का रुख किया और तीसरे गिरोह ने ओतास में मोर्चा बंदी की जब मुश्किन भागे तो तीन ग्रोहों में बढ़ गए एक कहा गया ताइफ, दूसरा गया नखला और तीसरे जो थे वो ओतास में जो थे वो इकट्ठे होके एक जगह उन्होंने एक जगह इकट्ठे होके थे सब लोग आप वसल्लम ने अवतास में अबू मूसा अशरी के चचा अबू आमिर अशरी रजीला तला को सहाबा की एक जमात के साथ भेजा उन्होंने दुश्मन को परागंदा करके सारे माल गनीमत पर कब्जा कर लिया अलबत् खुद अबू आमिर अशरी मार मार्के में शहीद हो गए और इनकी जगह अबू मूसा अशरी रजिया ने संभाली और कामयाबो कामरान वापस हुए कैसे थे सहाबा और क्या थे उनके किरदार के कि चचा और भतीजे जा रहे और क्या हो गया है कि एक शहीद हो गया है लेकिन दूसरे ने अपना काम नहीं छोड़ा यहाँ तो अगर हमारे घर में किसी की फौजगी हो जाए तो तीन दिन तक तो पहले हमें अपना ही होश नहीं रहता और उसके बाद बाकी चीजें तो बहुत दूर की बात है कि कैसा हो सकता है कि हम दिन का काम जारी रखें और सहाबा कराम की क्या हाल था कि फौत हो रहे हैं शहीद हो रहे हैं लेकिन जिसके सर पे जिम्मेदारी है क्या वो अपना काम छोड़ रहा है बिल्कुल भी नहीं उधर मुसलमान सवारियों की एक जमात ने नखला भागने वाले मुश्किन का ताकुब किया और दुरीत बिन सुमा को जाकर पकड़ा और इसे कत्ल कर दिया रसूल ला ने माल गनीमत और कैदियों को जमा करने का हुक्म दिया जिसकी कुल मकदार ये थी ऊंट तकरीबन चौबीस हजार बकरिया चालीस हजार से ज्यादा चांदी चार हजार औकिया एक लाख साठ हजार दिरहम औरतें और बच्चे छ हजार ना में जमा करके हजरत मसूद बिन उमर गफारी रजीला तला को इनका निगरान मुकरर किया मुशर की जमातें तीन जगह पे डिवाइड हुई एक कहाँ गई ताइफ दूसरी कहाँ गई नखला तीसरी कहाँ गई ओतास। ओतास में जो गए और नखला में गए उनको पकड़ लिया गया लेकिन एक जमात रहेगी जो कहा गई ताइफ उसके बाद क्या हुआ कि आप ले लावले वाले, वाले वसल्लम ने या मुसलमानों ने छोड़ दिया नहीं जो जमात ताइफ भागेगी थी उसके पीछे गए इसके बाद आप वसल्लम ने ताइफ का रुख किया रास्ते में मालिक बिन नसरी के किले से गुजरे तो से का हुक्म दिया ताइफ पहुंचे तो दुश्मन एक साल की खुराक का इंतजाम करके किले में बंद हो चुका था लिहाजे इसका महाज़रा कर लिया पहले मुसलमानों का पड़ाव करीब था इसे दुश्मन ने तीर बरसाकर मुसलमानों को जख्मी कर दिया लिहाजा वो इस मकाम पर उठाए जहाँ आज तायफ की मस्जिद है मुसलमानों ने दुश्मन को हथियार डालने पर मजबूर करने के लिए कई तदबीरें इख्तियार की लेकिन कोई तदबीर कारगर ना हुई हजरत खालिद बिन वलीद वलीदाना निकल कर दावत मुबाजरा देते यानी जंग करने की दावत देते लेकिन कभी कोई आदमी सामने ना आया इस पर तोप नसब की गई लेकिन ये भी कारगर ना हुई मुसलमान जाबाजों ने एक गोह दो टापों में घुस नकब लगाने के लिए किले की दीवार तक पहुंचा लेकिन दुश्मन ने इन पर लोहे के जलते टुकड़े फेंके जिससे वो वापसी पर मजबूर हो गया और दीवार में नकब ना लगा सका इनके अंगूर और खजूर के दरख्त काटे गए मगर उन्होंने अल्लाह और कराबत का वास्ता दिया तो छोड़ दिए गए अल्लाह अकबर काफिर हैं, किले में बैठे हैं और जब दरख्त काटे जा रहे हैं तो किसका वास्ता दे रहे हैं अल्लाह का और रिश्तेदारी का और आप सल अलैहि वसल्लम ने क्या किया ये तो नहीं कहा कि तुम तो मुशरको मैं तो काटूंगा उन्होंने छोड़ दिए रसुल्ला ने मनादी से ऐलान किया जो गुलाम किले से उतर कर हमारे पास आ जाए वो आजाद है इस पर ट्वेंटी थ्री गुलाम उतर आए उन्ही में अबू बकरा रजी तहो भी थे ये अबू बकर नहीं है ये अबू बकरा रजिया तहो है वो किले की दीवार पर चढ़कर एक चरखी की मदद से जिसके जरिए से राहट से पानी खींचा जाता है यानी कुएं से पानी खींचा जाता है लटक कर नीचे आ गए इसे रसूल सल्ला वसलम ने इनकी कुत अबू बकरा रख दी अरबी में चरखी को बकरा कहते हैं गुलामों का ये फरार किला वालों के लिए जानका था मुहासरे ने तूल पकड़ा और फायदा कुछ ना हुआ महासरे पर दिन और कहा जाता है कि मशवरा किया उन्होंने कहा लुमरी अपने भट में घुस गई है अगर आप डट गए तो पकड़ लेंगे अगर छोड़ भी देंगे तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्या मशवरा दे रहे हैं कि वो अपने किले में घुस गए हैं अगर हम डटे रहेंगे तो इन्हें पकड़ लेंगे लेकिन अगर ये निकल भी आएंगे बाद में तो ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कूच का ऐलान फरमाया बास लोगों ने गुजारिश की कि आप इन पर बदुआ कर दें ये पॉइंट जरा बड़े गौर से सुनिएगा और आज जो जो महफिल में बैठा हुआ है और जिसका दिल बड़ा दुखा हुआ है किसी भी तरह से वो ज्यादा गौर करें बास लोगों ने गुजारिश की कि आप इन पर बदुआ करें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए अल्लाह शकीफ को हिदायत दे और इन्हें मुसलमान बना कर ले आ। अल्लाह अकबर कबीरा ये है कैरेक्टर आप दुआ नहीं देते बल्कि उनके हक में इतनी खूबसूरत दुआ कर दी कि इनको मुसलमान बना कर हमारे पास ले आ और इनको हिदायत देते और अगर आज हमारा ये हाल हो अगर हम लीडर हों और हम इस तरह हों तो हम फौरन पर दुआएं देना शुरू हो जाएंगे हम तो जरा सी लड़ाई हो तो अपने प्यारों को भी दुआएं देना शुरू हो जाते हैं तो ये देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें ये सिखाया ही नहीं है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जब हमने देखा है हर हर वक्त पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमी करने को माफ करने को और अच्छी दुआएं देने को प्रमोट किया है हमारे लिए अमल का क्या नुकता है जब बहुत दिल करे ना कि किसी को बदुआ दे तो फिर भी उसको दुआ ही दे इसके बाद रसूल रसुल्लाइफ ता, से जिराना वापस आकर दस दिन से ज्यादा ठहरे रहे और माल गनीमत तकसीम ना फरमाया आपको इंतजार था कि हवाजन तोबा करके आ जाएंगे और अपना माल और कैदी वापस ले जाएंगे कितनी पॉजिटिव अप्रोच थी कि वो तोबा करेंगे और हमारे पास आ जाएंगे इसलिए आप सल्लाम ने फौरन माले गनीमत तकसीम नहीं किया लेकिन जब कोई ना आया तो आपने गनीमत से फुम्स निकाला, होता था माले गनीमत का पांचवा हिस्सा और अपना माल और कैदी वापस ले जाए निकाला और इसे तालीफे कल्प के लिए कमजोर इस्लाम वालों को दिया जो जिनका इस्लाम कमजोर था जो भी न्यू मुस्लिम थे आप सल्लाम ने उनको दिया आप कभी किसी अपने प्यारे के पास हो तो बहुत सी सिचुएशन कभी ऐसी भी आती है कि वो कभी आपको आपको ऐसा फील होता है वो करते नहीं है फील ऐसे होता है कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं या दूसरों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं आपको नहीं दे रहे या एक क्लासरूम की एग्जाम्पल ही ले लें जो हमारे साथ अहमतल में बहुत शुरू से हैं और जो भी आए हैं तो जो नए लोग आते हैं डेफिनेटली हम उन्हें वेलकम करते हैं उनको हौसला अफजाई करते हैं उनको बताते हैं तो कई दफ़ा जो पुराने लोग होते हैं उन्हें ये फील होता है कि शायद वो हमें ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करी या हमें इग्नोर करी है बात ये नहीं होती जो एक उस्ताद होता है या कोई भी लीडर किसी भी जगह का होता है उसके लिए तो हर बंदा बहुत कीमती मोती की तरह होता है लेकिन जो नए आते हैं उनका दिल लगाना पड़ता है उनका दिल लगता नहीं है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिनका पता था कि अभी इनका दिल इतना नहीं लगा उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल गनीमत दिया और कुछ ऐसे लोगों को भी दिया जो अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे मुसलमान जो नहीं हुए थे उनको क्यों दिया ताकि उनको इंसेंटिव नजर आए किसी तरीके से वो इस्लाम कबूल कर लें ताकि इनकी नज़र में भी इस्लाम महबूब हो जाए चुनाचे बुसुफियान को चालीस ओकिया चांदी एक हजार छह सौ और एक सौ दिए फिर इतना ही इसके बेटे यजीद को दिया फिर इतना ही इसके दूसरे बेटे माविया को दिया सफवान बिन उमै को सो फिर सो फिर सो यानी बिन, हारिस बिन, हारिस बिन, बिन हसन अरका बिन जालिस अब्बास बिन मुरादा मुर्दास अलकमा बिन अलासा मालिक बिन ओफ अला बिन हारिस हारिस बिन हशाम जुबैर बिन मौतम सोहेल बिन उमर और और योतभ बिन अब्दुल अजा वगैरह हमको वगैरह को सो उठ दिए कुछ और लोगों को पचास पचास उठ दिए यहाँ तक के लोगों में शोहरा हो गया मोहम्मद इस तरह बेदर एक अतिया देते हैं कि इन्हें फकर का अंदेशा ही नहीं मशहूर हो गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ऐसे अतिया देते हैं कि इनको तो बिल्कुल ये नहीं है कि मेरा माल खत्म हो जाएगा और आज हम अल्लाह की राह में कैसे देते हैं एक एक पेनी गिन के एक एक सूट को दस दफा देखे कि कहीं ये मैंने दोबारा पहनना तो नहीं है क्या ये मैं दे दूंगी तो ये ना हो कि मेरी जो बेटी के काम आना है वो मेरी बेटी के काम ना आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे दे रहे हैं खुले दिल से दे रहे हैं और उनको भी दे रहे हैं जो मुसलमान नहीं है और उनको भी दे रहे हैं जिनके दिल में भी खालिस ईमान नहीं है चुनाचे माल की तलब में बद्दू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टूट पड़े और आपको एक दरक की जानिब ने समेटने पर समेटने पर मजबूर कर दिया जिसमें आपकी चादर फंस गई आप वसल्लम ने फरमाया मेरी चादर दे दो इस की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है अगर मेरे पास के दरख्तों की तादाद में भी चौपाए होते तो मैं इन्हें तुम में तकसीम कर देता फिर तुम मुझे ना बखील पाते ना बुजदिल ना झूठा फिर आप अलैहि वसल्लम ने एक ऊंट की कोहान से कुछ बाल लिए और फरमाया मेरे लिए तुम्हारे माले फे में से कुछ भी नहीं हती के इतने से बाल भी नहीं अल्लाह हो पर सिर्फ खुम्स है और खुम्स भी तुम ही को लौटा दिया जाता है लिहाजा सुई का धागा तक अदा करो क्योंकि खयानत साहिब खयानत के लिए क्यामत के रोज आ रसवाई और आग होगी इज्तमाही माल जो किसी भी बड़ी जगह का लीडर है इजतमाही माल की बड़ी सख्त पूछ होगी और उसकी जवाबदेही देनी पड़ेगी ये सुनकर लोगों ने मामूली चीज तक गनीमत से जो कुछ दिया था सब वापस कर दिया इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जैद बिन साबित रजी अल्लाह को माल गनीमत तकसीम करने का हुक्म दिया गनीमत की मस्कूरा मकदार के हिसाब से खम्स निकाला खुम्स होता था माल गनीमत का पांचवा हिस्सा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी अजवाज और उनकी खानदान वाले इस्तेमाल करते थे निकालने के बाद एक आदमी को हिस्से में जितना माले गनीमत बना, इसकी मकदार ये थी तकरीबन डेढ़ ऊंट ढाई बकरी दस दरहम, एक कैदी का एक तिहाई हिस्सा अब अगर एक आदमी को दस दरहम देकर बाकी को एक ही चीज दी जाती तो इसके हिस्से में या तो सिर्फ चार ऊंट आएंगे या सिर्फ चालीस बकरियां या एक कैदी का सिर्फ दो तिहाई हिस्सा होगा अब आप सल्हल वसलम ने माले गनीमत बांटा और किसको बांटा हमने भी क्या पढ़ा है आपने बांटा और आपने बांटा नो मुस्लिम को नए नए मुसलमान हुए और उन मुसलमान को उन मुस, लोगों को जो मुसलमान नहीं हुए थे आप क्या होता है जो पुराने लोग होते हैं जो प्यारे लोग होते हैं जिनसे पहले जो नए होते हैं बड़ी हमारी दिल की अच्छी कैफियात होती हैं मिलते हैं उनको देख के हम खुश होते हैं उनके दिल में दिल में शिकवा आ जाता है ये क्या है जो नए लोग आ रहे हैं उनको इतना प्रोटोकॉल दे रही है उनसे बार बार पूछ रही है हमसे तो पूछ ही नहीं रही है हाँ, अब हम पुराने हो गए ना हमारी कोई औकात नहीं है और मैं जानती हूं, आप सब मुस्कुरा रहे ऐसा होता होता है 100 होता है कि नहीं ऐसा रिश्तों में भी होता है ऐसा क्लासरूम्स में भी होता है ऐसा किसी भी ग्रुप में होता है लेकिन ये अब जो आगे वाली बात है ये बड़ा दिल खोल के और बड़े गौर से सुनिएगा इंसान को रसुल्लाम के इस अमल पर हैरत हुई कि आपने आपनेौलफा कलूब यानी नो मुस्लिम को अंदाजे से बढ़कर अतिया दिए और इंसार को कुछ न दिया चुनाचे बास ने कहा ये कैसी ताजुब की बात है कि आप अलैहि को कुरैश को दे रहे हैं और हमें छोड़ दिया है हालांकि हमारी तलवारों से इनका खून टपक रहा है ये क्या बात होगी ये कैसी मैम है ये हमें हम तो सारा काम कर रहे हैं हम असाइनमेंट्स बना के दे रहे हैं और जो नए नए आए हैं उन्हीं को पूछे जा रही हैं हमें तो कुछ ही नहीं रही या ये कैसी सास है देखो अब तो हमारी कोई वक्त नहीं रही आई है ना उसी की बस खिदमतों में लगी है हमें तो कभी ऐसे पूछा ही नहीं ये बात इंसार के रईस हजरत साद बिन अबादा रजी अल्लाह तलाो ने आप सल को पहुंचाई और ऐसे ही होता है जब ऐसी बातें होती है ना जो जो ग्रुप के लोग होते वापस आपस में लगे थे हाँ देखा ना उन्होंने हमें नहीं पूछा लेकिन डायरेक्ट इनकाउंटर नहीं करते डायरेक्ट जाके उन्हें नहीं, नहीं कहते तो जो उनके रजील ताया आप सल्लाम ने अंसार को जमा किया अल्लाह की हमदोसना की फिर अल्लाह ने आप पर जो एहसान किया था इसका जिक्र फरमाया फिर फरमाया इंसार के लोगों तुम अपने जी में दुनिया की एक हकीर सी घास के लिए नाराज हो गए जिसके जरिए से मैंने लोगों का दिल जोड़ा था ताकि वो मुसलमान हो जाएं और तुमको तुम्हारे इस्लाम के हवाले कर दिया था अल्लाह आप वाले वाले वसल्लम ने तो उनको बहुत बड़ी चीज दे दी थी उनका इस्लाम ए इंसार क्या तुम इससे राजी नहीं कि लोग ऊंट और बकरियां ले जाएं और तुम रसूल जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है अगर हिजरत ना होती तो मैं भी इंसार का एक फर्द होता और अगर सारे लोग एक राह चले और इंसार दूसरी राह चले तो मैं इंसार ही की राह चलूंगा ए अल्लाह अनसार पे रहम फरमा और अंसार के बेटों पर और इंसार के पोतों पर अल्लाह कभी भी जो आपके बड़े होते हैं जो आपके टीचर्स होते हैं उनकी नियतों पे शक ना करें आपको क्या पता कि उनके दिल में आपका क्या मकाम है या वो आपके बारे में क्या कितनी बड़ी चीज सोच के बैठे हों और इंसार जो माले गिनत ना मिलने पे अफसोस कर रहे थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी बात कह दी कि दुनियावी चीजें तो मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि वो लोग मुसलमान हो जाए लोगों को मैं जोड़ना चाह रहा हूँ लेकिन तुम्हें तो मैंने इस्लाम के हवाले कर दिया और मैं भी अगर होता तो इंसार का एक बंदा होता इस पर लोग इस कदर रोए के धारियां तर हो गई और कहने लगे हम राजी हैं कि हमारे हिस्से और नसीब में रसुल्ला इसके बाद रसुल्ला वापस आ गए और अनसार भी वापस हो गए, गए। अल्लाह दिल में अगर कभी भी किसी बड़े के बारे में किसी भी टीचर के बारे में किसी के बारे में भी बदकुमानी आई है ना उसको दूर कर दें और ये सोचें कि उसने मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचा होगा या उसको मेरे पे मान होगा क्योंकि जिसपे मान होता है ना उसको हम थोड़ा सा इग्नोर भी कर देते हैं क्योंकि हमें दूसरों को कैप्चर करना होता है मालगनी में तकसीम हो चुका तो हवाजन का वक्त आ गया इसका रईस जहेर बिन सर था उन्होंने इस्लाम कबूल किया बैत की फिर अर बरदास हुआ या रसूल आपने जिन्हें गिरफ्तार किया है इनमें माए हैं बहनें हैं खुफिया हैं खलाएं हैं और यही कौम की रसवाई का सबक होती है कितनी बड़ी बात है कौम की रसवाई किससे हो रही है माल से तो नहीं हो रही कौम की रसवाई तो औरत की बेजती से हो रही है और आज उमतें मुस्लिम की औरतें बेपर्दा होके बेनकाब होके कैसे अपने आप को पेश कर रही ए अल्लाह के रसूल हम पर एहसान हो करम फरमाइए आप ऐसे आदमी हैं कि आपसे उम्मीदें वाबस्ता है आप सल्लाम से कितनी उम्मीदें थी कि आपसे उम्मीदें हैं और ये भी उम्मीद थी कि वो पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स देंगे और आपके कर्म का इंतजार है आप इन औरतों पर एहसान कीजिए जिनका दूध पीते थे जब आपका मुंह इनके दूध के मोतियों से भर जाता था और मजीद चंद अशार कहे आप सल्लाम ने फरमाया मेरे साथ जो लोग हैं इन्हें देख ही रहे हो और मुझे सच बात ज्यादा पसंद है लिहाजा कैदी और माल में से कोई एक चीज चुन लो आप वसल्लम ने क्या कहा कि मेरे साथ कितने लोग हैं आप देख ही रहे हैं और माले गनीमत जो था वो तकसीम हो चुका था तो उन्होंने कहा एक चीज चुन लो या कैदी या माल उन्होंने कहा हमारे नजदीक खानदानी शर्फ के बराबर कोई चीज नहीं हमारी औरतें और बच्चे हमें वापस कर दीजिए और हम बकरी और ऊंट के बारे में कुछ ना बोलेंगे इतना बड़ा लेसन हमें दे रहा है कौन दे रहा है जो इस्लाम नहीं लाया कौन दे रहा है जो आप वसल्लम के खिलाफ खड़े हैं वो कह रहे हैं कि हमारी औरतें और बच्चे खानदानी शर्फ है हमारा आज हमने क्यों अपनी बेटियों को इतना सस्ता कर दिया कि हर जगह हम उन्हें पेश करते कर रहे हैं महफिलों में पेश कर रहे हैं कॉलेजेस में पेश कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज में पेश कर रहे हैं और ये कहना कि आज तो निज़ाम ही ऐसा हो गया हकीकता गलत जो करने वाले हैं वो तो आज भी अपनी इज्जत अपनी असमत का ख्याल रख रहे हैं। जरा जरा सी तोहफे तहफ के लिए लड़के लड़कियों में बातें होना इतनी कॉमन होगी कि इसको तो अब मरगूब ही नहीं समझा जा जाता ये समझा जा जाता है कि ये तो एक कल्चर का हिस्सा है और ये कितनी गलत बात है क्या जब हमारी बेटियां घरों से बाहर जाती हैं हमें उनका ड्रेसिंग नजर नहीं आती हमें कि वो क्या पहन के जा रही हैं और हम इतने ही अंधे हुए हैं या हम इतने ही बेगैरत हो चुके हैं कि खुद दजा के अपनी बेटियों को हम डिफरेंट पार्टीज में भेज रहे हैं कि जाओ बेटा और जाओ अच्छे से दोस्त बनो हमारी तो टीचिंग्स ही खराब हो चुकी है आप वसल्लम ने फरमाया अच्छा तो जब मैं जोहर की नमाज पढ़ लूं तो तुम लोग खड़े हो जाओ अपने इस्लाम का इजहार करो और कहो कि हम भी आप लोगों के दीनी भाई हैं फिर कहो कि हम रसुल्ला को मुसलमानों की जानब और मुसलमानों को रसुल्ला की जानब से फारिशी बनाते हैं कि आप हमारे कैदी हमें वापस करें कितनी खूबसूरत बात आप सल सल्लाम कह रहे हैं कि आप अपने इस्लाम का इजहार कर दीजिए और क्या कहें कि हम दीनी भाई हैं इन लोगों ने ऐसा ही किया जवाब मेरे रसूल सलम ने फरमाया और जब मैं ये रीड आउट कर रही थी और पढ़ रही थी तो मुझे पूरा अंदाजा था कि आप वसल्लम ने यही किया होगा मेरा और अब्दुल मुतलब का जो हिस्सा है वो तुम्हारे लिए और मैं अभी लोगों से पूछे लेता हूँ आप वसल्लम सेल्फलेस थे

हंड्रेड परसेंट दे देते लेकिन लोगों के दिल में दस तरह की बातें आती और जो नौ मुस्लिम थे उनके दिल में डेफिनेटली और बातें आती इस पर इन सारो महाजरीन ने कहा जो हमारा हिस्सा है वो रसूल सल्लाम के लिए है अलबत्ता बाज एराब मसलन इकरा बिन हाबिस आइना बिन हसन और अब्बास बिन मुरादिस ने इनकार किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो ब वापस कर दे तो बहुत अच्छी राह है, वरना वापस तो बाहर हाल कर दे और आइंदा जो सबसे पहला मालिफ है हासिल होगा इससे हम इसको एक हिस्से के बदले छह हिस्से देंगे आप वसल्लम ने कितना खूबसूरत इंसेंटिव दिया कि जो बुशी वापस कर दे तो बहुत अच्छी बात है वरना वापस तो करना ही पड़ेगा लेकिन आइंदा जो हमें माले गनीमत मिलेगा उसको एक हिस्से के बदले छह हिस्से मिलेंगे इसके बाद बिन हसन के अलावा सारे लोगों ने बखुशी वापस कर दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे कैदियों को एक एक किपती चादर अता फरमाई कैदी वापस करने के बाद अब एक आदमी के हिस्से में या तो सिर्फ दो ऊँट आए थे या फिर बीस बकरियाँ उम्र जिराना जिकदा आठ हिजरी मालिक नीमत की तकसीम से फ़ारिग होकर वसलम ने उम्र का अहराम बांधा यही उम्र जिराना है और उमरे से फारिग होकर मदीना वापसी की राह ली और जिकदा छः जिकदा के छह दिन या तीन दिन बाकी थे जब आप सल्ला मदीना पहुंचे आप सल्हल वसलम की जिंदगी कंटिन्यू स्ट्रगल थी आप वाले वाले ने एक दिन भी रेस्ट नहीं किया बल्कि उम्र भी साथ कर रहे हैं गजबात में भी साथ जा रहे हैं शादियां भी साथ हो रही हैं अगर बीच में कोई प्यारा शहीद हो गया है या अल्लाह के पास चला गया है साथ ही दफना रहे हैं लेकिन बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं कर रहे बनो तमीम की ता, तादीब और इनका कबूल इस्लाम मुहर्रम नो हिजरी मुहर्रम नौ हिजरी में मदीने में खबर पहुंची कि बनू तमीम कबाइल को जिजिया ना देने पर उकसा रहे हैं रसूल ला ला ने बिन हसन ताला के आदत में पचास सवारों का एक दस्ता भेजा उन्होंने सहरा में हमला करके इनके ग्यारह आदमी इक्कीस औरतें और बच्चे गिरफ्तार कर लिए और उन्हें मदीना ले आए इसके बाद बनू तमीम के दस सरदार आए और मुकाबला खिताबत और शायरी की ख्वाहिश की चुनाचे खतीब बिन हाजिब ने खुदबा दिया जिनका जवाब हज़रत साबित बिन कैस रजी ताला ने दिया फिर इनके शायर बिन बदर ने अशार कहे जवाब में हसान बिन साबित रजियाल तनों ने अपने अशार पेश किए उन्होंने इस्लाम के खतीब और शायर की फजीलत का एतराफ़ किया और मुसलमान हो गए रसुल्लाम ने इनके कैदी वापस कर दिए और इन्हें बेहतरीन तहिफ से नवाजा आप सल्लल्लाहु वसल्लम देने वाले थे और हमें क्या सिखा रहे हैं रब्य नौ हिज रसूल वसल्लम ने हज़रत अली बिन अबू तालिब की सरकर में सौ ऊंट और पचास घोड़ों समेत डेढ़ सौ आदमियों का एक दस्ता बनू तय का फिलिश नामी बुद्ध धाने के लिए रवाना किया हजरत अली रजी ताला अन्हों के हाथ में काला परचम और सफ़ेद झंडी थी उन्होंने जुदो करम में शहरत याफ्ता हातिम ताई के मोहल्ले पर छापा मारा ऊंट, बकरियां, हाथ आईं औरतों और बच्चों को कैद किया कैदियों में हातिम ताई की साहब दादी सफाना भी थी जब वो मदीना लाई गई तो रसुल्ला ने उन्हें एहसान बिलाफिया छोड़ दिया और इनका इकराम करते हुए इन्हें सवारी भी दी आप सल्ला कि क्या ही बात थी उन्हें बिलाफिया छोड़ दिया हातिम ताई की बेटी भागे हुए थे ने इन के बारे में कहा, आप सल्हम ने ऐसा काम किया कि तुम्हारा बाप भी वैसा नहीं कर सकता लिहाजा इनके पास रोहबत या खौफ के साथ जाओ क्या एडवाइस करिए भाई को कि उन्होंने वो काम किया है जो हमारे अबू भी नहीं कर सकते उनके पास जाओ चुनाचे अदी किसी ईमान या तहरीर के बगैर आ गए और जब रसुल्लम से गुफ्तू की तो इसी वक्त मुसलमान हो गए अल्लाह अकबर वसलम के पास बैठे हुए थे कि एक आदमी ने आकर फाके की शिकायत की फिर एक दूसरे आदमी ने आकर राधनी की शिकायत की आप सलम ने फरमाया अदी तुमने हीरा देखा है अगर तुम्हारी जिंदगी दराज हुई तो तुम देखोगे के हूदज नशीन औरतें हीरा से चलकर आएंगी खाना काबा का तवाफ करेंगी और इसे अल्लाह के सिवा किसी का खौफ ना होगा अगर तुम्हारी जिंदगी दराज हुई तो तुम कसरा के खजाने फतेह करोगे और अगर तुम्हारी जिंदगी दराज हुई तो तुम देखोगे कि आदमी हथेली पर सोना लेकर सोना चांदी लेकर निकलेगा और ऐसे आदमी को तलाश करेगा जो इसे कबूल करे मगर कोई कबूल करने वाला ना होगा हजरत अदी रजियाला तला ने हूदज नशीन औरतों को निकलते देखा और कसरा के खजाने की फता में वो खुद मौजूद थे बनु तमीम की तादीब और बनु तय के बुध की तबाही तो अहम वाकयात थे जो फतह मक्का और गजबा हुनैन के बाद पेश आए आप वाले का कैरेक्टर हमें बहुत कुछ सिखाता है सबसे पहली बात रिलिजन को छोड़ के भी इंसान अपने अंदर इंसानियत बाकी रखे इस्लाम तो हमें कुफार से भी अच्छा सलूक करने का हुक्म देता है तो कैसे हो सकता है कि हम अपने मुसलमान भाइयों से अच्छा सलूक ना करें और एक बात जो बहुत बड़ी बड़ी करके लिखने वाली है कि हमने कुफर से नफरत करनी है हमने काफिर से नफरत नहीं करनी अल्लाह चाहे जिसको चाहे अल्लाह हिदायत दे दे उसको अल्लाह राह इस पे ले आए और आप वसल्लम ने हमेशा सुला रहमी एहसान का हमें हुक्म दिया है कभी आप वसल्लम ने अपनी जात के लिए किसी को बदुआ नहीं बल्कि हमेशा दुआ ही की है आज की नशस्त के लिए इतना ही उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरे साथ बहुत से अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिए होंगे और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें ऐसा बनाए कि इन बहुत प्यारे मोतियों को हम अपनी जिंदगी में पिरो सके हमारे दिल इतने बड़े हो जाएं कि हम हमेशा देने वाले हों हमारे दिलों में वुस्त हो हमारे दिलों में नेगेटिविटी कभी भी ना आए और अगर भी कभी भी किसी शख्स के लिए आए भी तो हम अपने आप को खुद समझाएं कि नहीं हो सकता है उसका कोई मसला हो क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मीती हैं और हमें ये तो चाहिए कि रबीवल के महीने में सबको माफ कर दें सुलह रहमी करें अपने प्यारों को तहायफ दे उनको जरूर कहें कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और जिनको दीन की तरफ बुलाना है बहुत मसलेहत के साथ बहुत प्यार के साथ बहुत अच्छे तरीके से दावत दें और अपना किरदार ऐसा बना लें कि लोग आपका किरदार देख के इम्प्रेस हो के दीन की तरफ खिंचे आए ना कि आपका किरदार ऐसा कांटेदार झारियों की तरह हो कि लोग दूर भागते जाए अल्लाह सुबहान तला आपका मेरा इधर बैठना